नमस्ते, खुश रहो बेटिया। आई जे बी एन वर्षा सिंह फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। इन टुडे सेशन वी विल लर्न अबाउट द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड ऑल्सो वी विल सी द प्रोग्रामिंग इन सी how to write the program for round robin scheduling algorithm. Okay, so पहले हम ये समझते हैं कि round robin scheduling algorithm क्या होता है। हमने theory part में cover किया है इस round robin algorithm को through the numerical part। यहाँ पर भी हम एक problem को solve करेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी programming भी देखेंगे through the C programming. Okay, so एज आई हैव सेड कि हम लोगों ने इसे थ्योरी पार्ट में कवर किया है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। लेकिन फिर से हम एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें एक रेडी क्यू बनाते हैं, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट टाइप, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिक्स टाइम इज अलॉटेड टू एवरी प्रोसेस दैट अराइव्स इन द क्यू। दिस फिक्स टाइम इज नोन एज द टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम। ओके, और द फर्स्ट प्रोसेस दैट अराइव इज सेलेक्टेड एंड सेंट टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन। इफ इट इज नॉट एबल टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन विद इन द टाइम क्वांटम प्रोवाइडेड, देन एन इंटरप्ट इज जनरेटेड यूजिंग एन ऑटोमेटेड टाइम। द प्रोसेस इज देन स्टॉप्ड एंड इज सेंट बैक एट द एंड ऑफ द क्यू। हाउएवर द स्टेट इज सेव्ड एंड कॉन्टेक्स्ट इज देयर बाई स्टोर्ड इन द मेमोरी। This helps the process to resume from the point where it was interrupted. इससे क्या होगा कि हमारा टाइम सेविंग होगा, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को रन कराना जहाँ से उसने स्टॉप किया था। ये नहीं कि स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इससे क्या होगा कि हमारा CPU यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा और कोई भी प्रोसेस स्टारवेशन में नहीं जाएगा। ओके, द शेड्यूलर सिलेक्ट्स अनदर प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड डिस्पैचेस इट टू द प्रोसेसर फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, सो ये सारी इसके रिगार्डिंग हमने बात करी है कि ये कैसे वर्क करता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमारे पास प्रोसेस फोर है और सबकी नंबरिंग की गई है P1, P2, P3, P4। इसको हम लोग प्रोसेस आई डी भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टाइम क्वांटम है 2 और अराइवल टाइम हमारे पास गिवन है, बस टाइम भी गिवन है, और हमें जैसा पता है कि ये प्रीएम्प्ट मोड जो इसका प्रीएम्प्ट दिया हुआ है, ये प्रीएम्प्टिव टाइप का हो, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले हम पता है कि कैसे टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं, ठीक, वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले मुझे एक रेडी क्यू बनाना होगा, राइट। एक रेडी क्यू बनाएंगे, देखिए एक रेडी क्यू बनाएंगे, ऐसा बना दिया हमने। इस रेडी क्यू में सबसे पहले अराइव होगा हमारा P1, ठीक है, तो हमने लिखा P1। फिर उसके बाद हमारे पास है रनिंग क्यू, इसको जेन चैट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका टाइम क्वांटम 2 दिया है, तो हम P1 को 0 से 2 तक रन कराएंगे, ठीक। और हमें इसका बर्स्ट टाइम क्या दिया हुआ है, 9। तो अब ये कितना बच गया 9 से, अब ये हो गया 7, ठीक है, क्योंकि 2 क्वांटम के लिए ये रन कर गया। फिर उसके बाद मेरे पास अगर मैं देखूं कि अराइवल टाइम 2 पर कौन कौन से प्रोसेस रीच कर चुके हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि P2 भी रीच कर गया और P3 भी रीच कर गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ रेडी क्यू में ले आएंगे किस किस को, P2 को एंड P3 को, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास P1 का जो भी काम बच रखा है उसको यहाँ पे क्यू में रखेंगे, रेडी क्यू में, ठीक। अब इससे क्या होगा कि अब P2 देखिए, अब क्या है कि P2 को 4 बस टाइम चाहिए, तो हम यहाँ पे P2 को लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे अब उसके बाद देखे वो P2 का काम 3 बचा 5 से,
अब देखेंगे हम क्या कि फोर पे कौन कौन से प्रोसेस रीच कर गया है। तो हम देख रहे हैं कि P4 भी आपका अब लाइन में आ चुका है। अब उसके बाद जो भी आपका P2 का रिमेनिंग टास्क है उसको मैंने यहाँ P2 को फिर से यहाँ पे रख दिया। ठीक, ऐसे करते हुए इसे हम लोग तब तक कंप्लीट करते हैं जब तक ये पूरा इसका एग्जीक्यूशन ना हो जाए। राइट, तो थ्योरी पार्ट में भी मैंने आप लोगों को इसे अच्छे से समझाया है। यहाँ पे हमारा फोकस होगा कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लीव करके मैं प्रोग्रामिंग के पार्ट पे चलती हूँ। देखिए, मैंने सी प्रोग्रामिंग के थ्रू इसका प्रोग्रामिंग किया हुआ है। जैसा कि आप मुझे ये बस मैं रिमाइंड कराना चाहती थी कि इसमें कौन कौन सा टर्म यूज़ होता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, आप वेरिएबल लेने में, तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h और उसके बाद मैंने लिखा int main और फिर मुझे वेरिएबल मैंने क्या क्या लिया है, एक तो काउंट लिया है jn एंड टाइम एंड रिमेनिंग। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल हैं काउंट jn टाइम रिमेनिंग टाइम, फिर फ्लैग मैंने सेट कर दिया है 0, टाइम क्वांटम एक ले लिया वेरिएबल, उसके बाद अभी वेटिंग टाइम को मैंने 0 असाइन किया, टर्न अराउंड टाइम को भी 0 और इनके लिए मैंने एरे साइज ले लिया अराइवल टाइम का 10, बस टाइम के लिए 10 और रिमेनिंग टाइम के लिए भी 10 ले लिया। और फिर उसके बाद मैंने जितने भी प्रोसेस हैं उनको प्रिंट कराया। ओके, अब मेरे पास क्या है कि मैंने उसको प्रिंट कराया, फिर नंबर ऑफ़ प्रोसेस एंटर कर, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोसेस कितना मैं देना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप के थ्रू काउंट को बढ़ाने स्टार्ट किया कि काउंट 0 से इंक्रीमेंट कैसे होता है। फिर उसके बाद मैंने अराइवल टाइम और बर्स टाइम फॉर प्रोसेस नंबर को इंसर्ट किया, काउंट को इंक्रीज करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद स्कैन अप में मैं प्रिंट कराऊंगी काउंट की वैल्यू को, फिर मैं बर्स टाइम की वैल्यू को भी इंक्रीज प्रिंट कराना है हमें, फिर रिमेनिंग टाइम जो हमारे पास बचे हुए हैं वो हमारा जब तक बस टाइम की इक्वल नहीं हो जाता है तब तक हमें उसको रन कराना होता है जैसा कि आप जानते हैं। फिर उसके बाद हम टाइम क्वांटम को एंटर कराएंगे और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्कैनअप में हम टाइम क्वांटम को भी डिस्प्ले करा रहे हैं। फिर उसके बाद टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, अगर आपको इसमें एवरेज टाइम चाहिए या फिर एवरेज रनिंग टाइम कंप्लीशन टाइम चाहिए, जो भी आपको चाहिए उसमें आप वैल्यू दे दो और फिर उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फॉर टाइम इज इक्वल टू 0 एंड काउंट 0, अगर ये जो रिमेनिंग वैल्यू जितनी भी हैं वो 0 जब तक नहीं होता तब तक हमें इसको प्रिंट कराना है। उसके बाद मैं एक केस कंडीशन चेक करूंगी कि जो आपका रिमेनिंग टाइम काउंट था क्या वो लेस देन और इक्वल टू है टाइम क्वांटम एंड रिमेनिंग टाइम क्वांटम 0 से। ठीक है, क्या वो कम है और 0 से ज़्यादा है। ठीक, अगर है तो हम टाइम को इंक्रीज करेंगे रिमेनिंग टाइम क्वांटम से और फिर उसके बाद हम लोगों को रिमेनिंग काउंट जब हमें 0 मिलेगा तो हम फ्लैग को सेट कर देंगे 1, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे कि else if कंडीशन लगा के रिमेनिंग टाइम अगर क्वांटम ग्रेटर देन 0 है तो उसे हम लोगों को क्या करना है कि रिमेनिंग टाइम काउंट टाइम क्वांटम के इक्वल करने के बाद अगर ऐसा मिलता है हमें तो हम लोग टाइम को इंक्रीज करेंगे और टाइम क्वांटम को प्रिंट कराएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप चलो तो यहाँ आप देख सकते हो कि इफ़ rt काउंट इज इक्वल टू 0 एंड फ्लैग इज अगर 1 है तो आप रिमेनिंग वैल्यू को डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जितनी भी वैल्यू आपको प्रिंट करानी हो सबको आप एक जगह पर लिख दो और फिर उसके बाद वेटिंग टाइम क्या होता है आपका, तो टाइम एट काउंट माइनस
बर्स्ट टाइम काउंट। अब वेटिंग टाइम आप जानते हो कि क्या होता है, कि जो भी आपका टर्न अराउंड टाइम होता है उस वेटिंग टाइम होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बीटी, मतलब बस टाइम। ओके, और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है आपका, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हमें तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम को क्या दिखाना है कि टाइम एट काउंट एंड फ्लैग जीरो सेट कर दिया। इफ़ काउंट इज इक्वल टू नाइन एन माइनस वन देन काउंट जीरो, एल्स इफ एट काउंट प्लस वन इज लेस दैन एंड इक्वल टू टाइम, एंड फिर काउंट को हम इंक्रीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद हम एल्स कंडीशन के साथ काउंट अगर जीरो आता है तो फिर प्रिंट कराना है हमें क्या, एन एवरेज वेटिंग टाइम। फिर जो टर्न अराउंड टाइम हमें प्रिंट कराना है और वेटिंग टाइम कराना है तो उन दोनों को हमने प्रिंट करा दिया। ओके, फिर यहाँ रिटर्न जीरो। तो ये आपका प्रोग्राम है फॉर राउंड रॉबिन के लिए। यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से आउटपुट प्रिंट होकर आएगा, जैसा कि टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम है इसके अकॉर्डिंग हमने प्रिंट कराया है, बिकॉज हमने यहाँ पर कुछ चार प्रोसेस को लिए हैं और फिर उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसे प्रिंट कराया है। तो आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम थ्रू द माई वीडियो एंड फॉर। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस सेशन प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू। दिस डिजिटल वर्जन 2.0 इज़ प्रोवाइडेड बाई ज्योति विद्यापीठ वेमेंस यूनिवर्सिटी। थैंक